कोई भेद मन नहीं पाए, हम अभगत से कल आए, मेरा कोई भेद मन नहीं पाए। ना मेरा जन्म नगर बसेरा बालक हुए निकला, काशी नगर जंगल में दुल्हे को पाए, काशी नगर जंगल में डेरा दुल्हे को पाए, हम अभगत से कल आए, मेरा कोई भेद मरण नहीं पाए। अंदर लेके गया ना, अंदर लेके गया आपका। मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश।
कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ओ गुरु कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं भक्त उपवास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं भक्त उपवास में, ना मैं मेरे कर्म में रहता ना मैं योग संन्यास में, ना मैं मेरे कर्म में रहता ना मैं योग संन्यास में, ओ गुरु कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ओ गुरु कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं तेरे को भी भवर गुफा में सब श्वास के श्वास में, ना मैं तेरे को भी भवर गुफा में सब श्वास के श्वास में, ओ गुरु कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ओ गुरु कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कभी साधो मैं तो हूँ विश्वास में, कहे कबीर सुनो वैसा तो मैं तो हूँ विश्वास में, ओ गुरु कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ओ गुरु कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ओ जी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, वो तू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, वो तू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मस्तक लाग रही बड़े गुर चरणम के ढोल, मस्तक लाग रही बड़े गुर चरणम के ढोल, मस्तक लाग जग जय धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गए दूर मस्तक लाग रही मारे गोर चरणन के धूल, मस्तक लाग रही इड़ा पिंगला जान दलत है, इड़ा पिंगला जान दलत चोर दे भागे दूर मस्तक लाग रही, लाग रही मारे गोर संसार विघन की काटी, निक सत मल नासूर मस्तक लाग रही मारे गुर चरणन के धूल, मस्तक लाग रही प्रेम भक्ति गुरु रामनंद जाई, प्रेम भक्ति गुरु रामनंद जाई, करे कबीर भरपूर मस्तक लाग रही, लाग रही मारे गुर चरणन के धूल, मस्तक लाग रही प्रेम भक्ति गुरु रामनंद जाई, प्रेम भक्ति गुरु रामनंद जाई, करे कबीर भरपूर मस्तक लाग रही, लाग रही मारे गुर चरणन के धूल, मस्तक लाग रही पूरन ब्रह्म कृपा निधान सुन के
जटियो भर सवार तेरा ही दा
Amen.
कहे नर लोई
साहेब जी ने बिरला कोई है सब संत है आप अपने आज की अरदास है सकल संत पर नाम गुरु सतवादी सब संत है आप अपने नाम आज की अरदास है सब संत पर नाम गुरु ज्ञान अमान्य Okay.
आपने अपनी विराजमान
ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਪ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਰਮਨੀਸ਼ਵਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਬੰਦੀਸ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤੇ ਭੋਗ ਗਲਾਨੂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤੇ ਭੋਗ ਗਲਾਨੂ ਲੱਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਾਗ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ।
ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਸਿਰੋਮਣੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਵਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮ ਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਜੀ ਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਪਰਮ ਆਦਰਣੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਆਦਰਣੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਲਾਲਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਸੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਚਰਨਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦੀਸ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਜਿਆ ਸਵਾਮੀ ਅਮਰਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀਸ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੰਸ ਪੂਜਿਆ ਸਵਾਮੀ ਕੇਵਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀਸ਼ੋਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਮਪੁਰ ਧਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਤੀਵਰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰ ਧਾਮ ਦੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾਨੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੇਠ ਦੀ ਤ੍ਰੋਦਸੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ
सतगुरुदेव जी के दरबार में लगातार सहज पाठा के जाप करने वाले सतगुरु जी के पाठी भगत नंद लाल, भगत राम, मनोहर लाल, मेरे साथी प्रेमचंद सूबेदार बजाड़, जिन्होंने मिलके सतगुर बंदी छोर महाराज जी की अमृतमय बाणी दे सहज रूप दे विच संपट दे नाल जाप संपूर्ण किए हैं। सो तीन सहज पाठ दे जाप संपूर्ण होए हैं और इस समागम दे विच सारी ही संगतां दे सुख शांति वास्ते सब ते सतगुरु जी की कृपा हुंदी रहे, गुरुआं दे आशीर्वाद सब संगतां नूं प्राप्त हुंदे रहन, इसी संकल्प नूं लैके परसों 10 बजे तो 11 बजे तो बंदी छोर साहिब महाराज जी अमृतमय बाणी दे हंड जाप प्रारंभ होए हैं। तो धन धन सतगुरु श्री ग्रंथ साहिब जी श्री दरबार साहिब जी की हजूरी विच मेरे सारे सहयोगी इस दरबार विच अखंड जाप की सेवा करने वाले सारे पाठी साडे ट्रस्ट के मैंबर रामपुर धाम के पंचायत समेत सभी यूथ क्लब समेत सारे पिंड के नगरवासी रामपुर दोने ठोडे जिन्होंने परसों तो लैके समागम दे विच आके खुला टाइम कढ के सतगुर के दरबार विच सेवा का कार्ज नवाया है। सो इन्हां सारे नगरवासी रामपुर धाम के वासियों के नाल जो साडे इलाके दे लागले पिंडां दे सेवादार हन उन्हां दी भी बड़ी नाल नाल नगर वासियां नूं सहायता हुंदी है। गनूरे दे साखपुर दे झांगड़ियां दे रामपुर कलां दे रोडुआणे दे रैंसड़े दे इन्हां खास इन्हां पिंडां दे ज़्यादातर ते सेवादार कट्ठे हो के साहिब दे समागम विच वैसे तां कई दिन तो सेवादार सेवा कर रहे हैं समागम की तैयारी विच। परसों तो सभी ने मिल के बारहों सभी आईया हुई संगतां का सेवा सत्कार करने वास्ते बंदी छोर महाराज के दरबार विच साडे ट्रस्ट नूं सहयोग दिता है, इसलिए इन्हां सारे इलाके निवासियों के सेवादारां दे नाल नाल ਗੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੇਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਲੇਵਾਲ ਪੁਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੇਵਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ
सेवादार पहला भी कई दिन सेवा की ड्यूटी निभाते रहे, दर्शन लाल स्पेंच स्पेत सारी और भी सेवादार सारे सतगुर के दरबार में इसी तरह बूथगढ़ झंडूपुर तो सेवादार बहुत श्रद्धा नाल रामपुर धाम के इस दरबार में समागम के आके सारे ही अंदरली बाहरली पार्किंग की सेवा नूं संभाल रहे हैं। तो इन्हां सारिआं दे योगदान नाल इसी तरह बीत दे इलाके तो सेवादार आए हैं, कंडी दे होर इलाकियां तो मंगूपुर तो उदनवाल तो बलाचौर तो ज़्यादातर संगतां आके सतगुर के दरबार में सेवा कर रही हैं। इन इलाके की संगतां दे नाल सतगुर बंदी छोर महाराज के इस्लामपुर धाम के दरबार के श्रद्धावान सभी सेवक दूर दूर तो सभी पहुँच रहे हैं। परसों तो लैके ही सतगुरदेव जी के दरबार में गहमा गहमी रौनक बनिया हुई हैं। गुरुदेव महाराज जी, गुरुदेव स्वामी केवल दास महाराज जी दोनों ही गुरुआं की पवित्र याद में यह समागम शुरू किया गया है। गुरुदेव महाराज जी की 16वीं निर्वाण तिथि उनका निर्वाण दिवस है। इसी तरह गुरुदेव पूज्य स्वामी केवलदास महाराज जी मेरे बड़े गुरु भाई साहेब जेडे गुरु रूप दे विच ही मैनों काफ़ी साल तक शिक्षा देंदे रहे, आशीर्वाद देंदे रहे। उन्हां दी याद विच ये समागम साडे ट्रस्ट वालों रखा गया है, जिहदे विच सब दा ही सहयोग हो रहा है। बाहरों सभी संगतां ट्रस्ट दे मैंबर सभी सहयोग कर रहे हैं। सतगुर बंदी छोर साहिब महाराज के दरबार में सहयोग साहब की प्रेरणा के नाल हो रहा है। उन्हां दी प्रेरणा नाल सभी गुरु महाराज के सेवकों वालों सारे वालों ही सहयोग है। मेरे सतगुर बंदी छोर महाराज के दरबार में सेवा तो अपनी खुशी नाल गुप्त रूप दे विच ही हुंदी है, पर मैं देखदा हाँ कि बिना ही कहे ते अपनी खुशी दे नाल हर कोई सहयोग करन दी कोशिश करता है और सहयोग करता है। इसलिए सतगुर बंदी छोर महाराज जी का उन्होंने द्वारपाल उन्होंने हंस मेरे गुरुदेव महाराज मेरे जीवन नो स्मारण वाले मेरे उपदेश देवा गुरुदेव महाराज उन्हों का प्यार संगतां दे हिरदे विच पूज्य स्वामी केवलदास महाराज जी का प्यार सभी संगतां दे हिरदे विच है। इत्थों तक कि पिंड वासी संगत वालों सारे ही तन नाल मन नाल धन नाल सहयोग रहा है।
सारे ने इकट्ठे करके हर घर के विचों सतगुर के दरबार लिए सेवा इकट्ठी करके धन के रूप में भी दिती है और सारी बच्चियां बहुत ही श्रद्धा भावना के नाल पाठ करने वास्ते भंडारे में रोटियां बनाने वास्ते बर्तन मांजने वास्ते बहुत ही श्रद्धा के नाल सारे सेवा कर रहे हैं। इसी तरह यूथ क्लब के बच्चे बुजुर्ग नौजवान सारे ही सेवा दे विच हाजिर हैं। सो आप सारिया संगतां दे सहयोग नाल ये समागम अज गुरुआं दी पवित्र याद विच संपूर्ण हो रहा है। उन्हां दे चरणां विच अपनी श्रद्धा दे फुल अर्पण करन वास्ते हर कोई पहुंच रहा है। सो मेरे सतगुर बंदी छोर साहिब महाराज के दरबार विच बेशक असी गर्मी के मौसम करके इस प्रोग्राम नूं थोड़ा घट करके भी रखण की कोशिश करते हाँ। गर्मी का मौसम है ज़्यादा बहुत संतां दा बुलाना दूसरे बड़े प्रोग्रामां ते हुंदा है, फिर भी मेरे सतगुर बंदी छोर महाराज के दरबार में साड़ी बेनतियां नूं प्रवान करते हुए इस दरबार के समागम के मेरे सारे ही आदरणीय पूजनीय गुरु भाई सारे ही गुरु दाता हर वेले मेरे नाल सहयोग करने वाले मेरे गुरु भाई स्वामी रतन दास महाराज जी, इसी तरह परसों तो बंदी छोर महाराज के दरबार का प्यार रखने वाले मेरे गुरु दाता स्वामी दर्शनानंद महाराज जी संगतां नूं शब्द बाणी भी सुना रहे थे, दर्शन दे रहे और इसी तरह सतगुर बंदी छोर महाराज जी दे बहुत बड़े तपस्थान कैलपुर धाम तो संगतां दे नाल स्वामी कृष्ण गिरी महाराज जी जिहड़े कि कैलपुर पाठी दी सेवा निभा रहे हैं वो भी आए हैं और साडे सतगुरु बंदी छोर महाराज के धाम विच कोई 60 साल तो लैके स्वामी संत राम महाराज जी के मौजूदगी तो चल के उन्हां दे श्रद्धालु गुरु महाराज जी के श्रद्धालु दिल्ली तो फरीदाबाद तो पूजनीक संत रूप दे विच बहुत लंबी उम्र वाले राम मूर्ति जी ये भी अपनी संगतां समेत दिल्ली तो आके सतगुर दे दरबार विच पहुंचे हैं। इसी तरह साडे इस इलाके विच स्वामी संत राम महाराज जी के समकालीन एक महान संत महान सिद्ध पुरश पहुंचे हुए महान हस्ती पूज्य स्वामी महेश नाथ महाराज जी मौड़ी वाले संत जेड़े जंगल दे विच एकांत दे विच रह के पूरा जीवन सिमरन भजन विच लगे रहे। महाराज संत राम जी दे नाल
अटूट प्यार बने हुए तो उन्होंने तो बाद भी ऐसे संगतान को दर्शन देते रहे गुरुदेव महाराज के समय च सो उन्होंने उस तप स्थान के उस महान अस्थान तो इस वेले उन्होंने कृपा पात्र उत्तराधिकारी स्वामी राम कुमार जी बौड़ी वाले वो भी इत्थे आके दर्शन दे रहे हैं। इसी तरह साडे रामपुर कलां दे विच ट्रस्ट वालों सतगुरु जी के नाम पर दरबार स्थान बनिया है। इस स्थान ते मास कर रहे साडे पूज्य स्वामी रामदास महाराज जी इन्हां महापुरशां दी मौजूदगी विच ये समागम संपूर्ण हो रहा है। इसी तरह होर महापुरश समागम विच आके चले गए हैं। सो इन्हां महापुरशां दी मौजूदगी दे विच और सतगुरु जी दे प्यारे सारे ही अंशां दी मौजूदगी दे विच ये समागम संपूर्ण हो रहा है। मैं बार बार यही गल बाणी दी दोहरांदा हुंदा हाँ कि मेरे सतगुरु बंदी छोर महाराज वचन कर रहे हैं कि संत गुणा कपड़ियां दे विच नहीं है, संत गुणा अंदर मन दे विच हुंदा है। सतवादी सब संत है आप अपने धाम अपनी अपनी जगह अपने अपने घर विच सतवादी सब संत है। आज जी की अरदास है ऐसे सब सतवादी संतानों सतगुरु जी कहते मेरी प्रणाम है। इसलिए जो सतबादी है वो साहिब का प्यारा है वो संत है। वो चाहे चिट्टे कपड़ों में है चाहे सादे कपड़ों है चाहे गृहस्थ में है वो संत है। क्योंकि साहिब जिनके उर बसे झूठ कपट नहीं अंग हृदय वो साहिब का प्यार है इदा निर्मल है ताका दर्शन हान है। जरा तीर्थ से जाके असी गंगा ते परबी का स्नान करना है ना ऐसे सतगुरु के प्यारे बख्शे हुए हंस नो देख लो दर्शन कर लो। कहते स्नान हो गया पर भी दा सतगुरु की मोर लगी है ताका दर्शन नहान है ता पर भी फिर गंग तो गंगा दी पर भी कितने पीछे रह गई। इसलिए उठ फरीदा सुत्या दुनिया ढूंढन जा जे कोई मिल जाए बख्शिया तो तुम ही बख्शिया जा। जे कोई आत्मा उस मालिक दी बख्शी हुई है खुशी है उते मालिक दी और तेरा भी नाला ही बेड़ा पार हो जाना। इसलिए धन है ऐसे गुरुदेव महाराज जिन्होंने अपने जीवन विच होर संगतां दे नाल नाल मेरे ते भी बहुत बड़ी कृपा कीती है। मूर्ख नूं बहुत कुछ सिखा समझा के बंदी छोड़ महाराज दे दरबार दुर्लभ दरबार दे दरबार में झाड़ू फेरन की सेवा भी दित्ती है और संगतां जिहड़ियां सतगुरु दे दरबार दियां श्रद्धालु हन
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੰਸ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੇਂ ਖਾਲਕ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਲਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੇਂ ਬਿਖਰੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬਿਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ। ਜਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਦੰਡੋਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਮਾਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਾਠੀ ਆਏ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਠੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮੁਝ ਦੀਨ ਪੀੜਕ ਲੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ, ਇਹਦਾ ਸੰਪਟ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ,
और सारिया ते दया कृपा होवे, इसलिए संपट के नाल जाप हुए हैं। सारिया संगतां वालों गुरुदेव स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज लई, गुरुदेव स्वामी टेबलदास महाराज की याद विच ये जाप दोनों वालों इकट्ठे होए हैं, इकट्ठी उन्हां दी समाधि है। उन्हां वालों ये जाप होए हैं, इस मौके ते मैं उन्हां दे महान सहयोगी पूज्य गुरुदेव स्वामी अमरनाथ महाराज जी के चरणों च, माई और भगत जी के चरणों च भी बारंबार प्रणाम करता हाँ, जिन्होंने अपने जीवन को सतगुरु के राम प्रताम के दरबार लिए अर्पण किया है। इस गुरुआ के चरणों में साड़ी नमस्कार है। पूज्य स्वामी अमरनाथ महाराज जी का प्रोग्राम दिवाली तो एक दिन पहला धन तेरस कत्तक की तौसी में हुंदा है, लेकिन उस वेले संगतां सारे घरां दे विच तिहार करके व्यस्त होंदिया हन, इसलिए एक दिन का ही प्रोग्राम रखा जाता है। इस वेले मैं सारिया ही गुरुआं नूं याद करदा, खास करके गुरुदेव महाराज जी नूं बारंबार असीं प्रणाम करते हाँ, जिन्हां दे समागम दे विच उन्हां दे सारे ही शिष्य संगतां राष्ट्र समेत सारियां ही संगतां पहुंचियां हन। सो सारियां ही संगतां वल्लों सांझे रूप दे विच ये जाप होए हन। इसी तरह एक सहज जाप जिहड़े ओम भंडारे समेत गुरु महाराज जी दे जन्म नाल संबंध रखण वाले गुरु महाराज जी दे वड्डे भाई साहिब मास्टर अवतार सिंह जी का परिवार और गुरुदेव महाराज जी दे चाचा जी गुरबचन सिंह का परिवार, इन्हां दोनों परिवारों वालों गुरुदेव महाराज जी पवित्र याद विच एक अखंड पाठ, एक सहज पाठ और भंडारे दे विच सहयोग मिलिया है। सो गुरुदेव महाराज जी की याद विच उन्हां दे परिवार वालों होर भी मैंबर आए हैं, उन्हां दे परिवार वालों एक पाठ संपूर्ण हो रहे हैं। इसी तरह इस सांझे पाठ दे विच भी स्वामी केवलदास महाराज जी की याद विच पाठ है, लेकिन स्वामी केवलदास महाराज जी के जन्म नाल संबंध रखने वाले परिवार, उन्हां दी वड्डी भैण का परिवार, साडे माई और भगत जी जिहड़े कि सतगुरु पुरी वाले महाराज के शिष्य थे, उन्हां दी बेटी सवित्री देवी और दमाद लाला जगन्नाथ जी उन्हां दा परिवार है। बेटी प्रेमलता दा परिवार और बेटे निरंजन दा परिवार, उन्हां दे बच्चियां वालों राजकुमार वालों सारे परिवार वालों दोनों परिवारों वालों बंदीशोर महाराज के दरबार विच पूज्य स्वामी केवलदास महाराज जी की पवित्र याद विच एक पाठ और भंडारे दे विच सहयोग आया है। सो गुरु महाराज जी का परिवार, स्वामी केवलदास महाराज जी जन संबंधी परिवार, परिवार तो अभी सारे परिवार है उन्हों का गुरुआ का, लेकिन जन्म नाल संबंध रखने वाले परिवार, उन्होंने दोनों परिवारों वालों
दो पाठ भंडारे विच सहज हो। इसी तरह बंदी छोड़ महाराज दे इस दरबार विच तीन सहज पाठ होए हन। एक सहज पाठ गुरुदेव महाराज जी दे श्रद्धालु सेवक इस ट्रस्ट के सीनियर मैंबर गुरु महाराज जी दे बहुत कृपा पात्र लाला अमरपाल जी, बीबी राज राणी, उन्हां दे बच्चियां वालों रविकांत नीरज गुप्ता दोनों, उन्हां दे बेटियां वालों दोनों परिवारों वालों अपने पूजनी पिता जी की याद विच एक सहज पाठ और भंडारे दे विच विशेष रूप दे विच सहयोग आया है, राशन भी सहयोग आया है। सतगुर बंदी छोड़ महाराज के दरबार विच हर तरह की सेवा नाल स्वामी केवलदास महाराज जी का परिवार भी इसी तरह बहुत श्रद्धालु हर तरह की सेवा दे विच हिस्सा लैण की कोशिश करते हैं, हिस्सा लेंगे। तो इस तरह इस ट्रस्ट के सीनियर मैंबर रविकांत जी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं ट्रस्ट के, उन्होंने वाले एक पाठ है। इसी तरह सारे और भी सतगुरु जी के दरबार के प्रेमियों वालों यथाशक्ति सब वालों सहयोग मिल रहा है। साढ़े मंगलपुर तो चौधरी दर्शन लाल जी सबका एम एल ए बलाचौर, उन्होंने बच्चों वालों रूट की सेवा जूस वास्ते आई है और भी सहयोग आता है। इसी तरह इन्होंने भरा राम जी दास भोंगला, मनशा राम जी का परिवार, रामचंद जी का परिवार, इन्ह परिवारों वालों बंदी छोड़ साहब महाराज के दरबार विच दूसरे भरावां दे परिवारां वालों भी सतगुर बंदी छोड़ महाराज के दरबार विच पूरी वाले सतगुरां तो लैके ही स्वामी संत राम महाराज जी तो लैके गुरुदेव महाराज जी तो लैके ही इस दरबार के परिवार सारे श्रद्धालु हैं। सो इन्हां सारियां दे नाल साडे दरबार के बहुत दालू संदेपुरी वाले महाराज जी के शिष्य सेवक बाबू तरसेम लाल जी, पानीपुर वाले सहयोग आता है और होर सभी संतान जिदा बरनाले तो गुरु महाराज जी के तिने शिष्य लाला जगदीश चंद, लाला अशोक कुमार जिंदर, लाला अशोक कुमार भाटी, जिन्होंने सतगुर बंदी छोड़ महाराज के भंडारे विच अपने बेटियां समेत आके बंदी छोड़ के दरबार विच पांच दिन तो लगातार भंडारे दे सब समान की तैयारियां करते हुए पूरा समान का अरेंजमेंट करते हुए हर तरह के नाल खिलाने पिलाने की संगतान सेवा दे विच लगभग चार पांच दिनों तो लगातार सेवा चल रही है।